इज़रा की पुस्तक अध्याय 6, इज़रा की पुस्तक अध्याय 6। तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल के पुस्तकालय में जहां खजाना भी रहता था खोज की गई और मादे नाम प्रांत के हमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृत्तांत लिखा था कि राजा कुसरू के पहले वर्ष में उसी कुसरू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है अर्थात वह भवन जिससे बलिदान किए जाते थे वह बनाया जाए और उसकी नेव दृढ़ता से डाली जाए, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो, उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हो और 1 परत नई लकड़ी का हो और इनकी लागत राजभवन से दी जाए और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बाबेल को पहुंचा दिए थे वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाए और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। अब हे महानद के पार के अधिपति तत्ने, हे सतरगोज ने, तुम अपने सहचारी महानद के पार के पारसकियों के समेत वहां से अलग रहो, परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए, वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए अर्थात राजा के धन में से, महारथ के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए, ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े। और क्या बछड़े, क्या मेंढे, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होमबलि के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो और जितना गेहूं, नमक, दाख मधु और तेल यरूशलेम के याजक कहे वह सब उन्हें बिना भूलचूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए और उसका घर इस अपराध के कारण घुरा बनाया जाए और परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है वह क्या राजा क्या प्रजा उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नाश करने के लिए हाथ बढ़ाए नष्ट करे। मूझ दारा ने यह आज्ञा दी है फुर्ती से ऐसा ही करना। तब महानद के इस पार के अधिपति तत्ने और शतरबोज ने और उसके सहचारियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरनिय हग्गे नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और कृतार्थ भी हुए और इसराइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुसरू दारा और अर्तक्षत की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3रे दिन को बनकर समाप्त हुआ। इसराइली अर्थात याजक लेविय और जितने बंधुआई में से आए थे उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की और उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल, 200 मेढे और 400 मेमने और फिर सब इसराइल के निमित्त पाप बलि करके इसराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसे मूसा की पुस्तक में लिखा है वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है बारी बारी से याजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने
फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इसराइली और जितने उस देश की अन्य जातियों की अशुद्धता के से इसलिए अलग हो गए थे कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया और अखमीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया था कि वह परमेश्वर अर्थात इसराइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करें।